नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। कराची पाकिस्तान में गूंजे जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे। ऐसा लगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपना होश खो दिया, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम भी भारत में आना चाहती है और पाकिस्तान को भी भारत बनाना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से और पाकिस्तान के आतंकवादियों से परेशान हो चुकी है पाकिस्तान की आवाम। चलिए हम आपको पूरी वीडियो दिखा रहे हैं। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जहां पर हिंदू देवी देवताओं मंदिरों को तोड़ा जाता है, तो फिर अगर वहां पर जय श्री राम हर हर महादेव के नारे लगे, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहां भी लोग हिंदुस्तान के प्रति प्यार दिखा रहे। बता दूं आपको, कराची पाकिस्तान में गूंजे जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे, इमरान खान की छाती पर लोटा सांप। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं पूरा मामला क्या है, वीडियो भी आपको दिखाएंगे। ये वीडियो भी देखिएगा किस तरह से पाकिस्तान में हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगे। बता दूं भारत में मोदी योगी का शासन देखकर पाकिस्तान के हिंदुओं में भी जोश भर गया है। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की आवाज़ बुलंद होने लगी है। इतना ही नहीं, जहां सरेआम मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है, वहीं हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पाकिस्तानी हुक्मरानों के सामने जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे हैं। जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे पाकिस्तान के कराची शहर के बीचों बीच प्रेस क्लब के सामने लगाए गए। इस प्रदर्शन का सबसे अहम बात ये थी कि कराची शहर के मुफ्ती फैजल के इस प्रदर्शन में शामिल हुए उनके सबके सामने इस बात का स्वीकार किया है। बता दूं आपको, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ रहते हैं। इससे पहले हिंदुओं समेत पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम लोगों ने कराची के प्रेस क्लब के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हिंदू सिख समुदाय के अलावा ईसाई, पारसी सहित अन्य तबके के लोग भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने रहीम यार खान इलाके में मंदिर को तोड़ फोड़ की घटना की निंदा की। इसके साथ ही अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने भगवा झंडा भी लहराया और वी वांट जस्टिस के प्ले कार्ड भी दिखाए। विरोध प्रदर्शन में कराची के प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रामनाथ मिश्र महाराज भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि रहीम यार खान में जैसे गणेश मंदिर को गुंडे ने तोड़फोड़ की, हम उसकी सख्त निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे इस्लाम धर्म के खिलाफ बुरा करने वालों को मौत की सजा या उम्र कैद मिलती है, वैसे ही हमारे खिलाफ बुरा भला करने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में आप कोई भी इस्लाम विरोधी काम कर देंगे तो आपको फांसी की फंदे पर लटका दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप हिंदुओं के देवी देवताओं या हिंदू धर्म पर आप टिप्पणी करते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह है पाकिस्तान का कानून। इसीलिए वहाँ के लोग कहते हैं कि जब हम दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकते, तो दूसरा कोई हमारे धर्म की बुराई कैसे कर सकता है। यहाँ पर अल्पसंख्यकों को भारत में देख लीजिए, अल्पसंख्यकों को इतना छूट दी गई है, पूरा कानून प्रशासन। सबसे पहले आप जात सूचक शब्द का भी इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई और बड़ा जुर्माना लग सकता है। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में दिन दिहाड़े मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन पाकिस्तान की सरकार नहीं लेती है। इन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए ये कार्रवाई की गई और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित भी हुए, काफ़ी ज़्यादा उदास, निराश, हताश भी हुए। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस पर कुछ भी नहीं हुआ, बस उनकी छाती पर सांप ही लौटा है जब जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे लगे हैं। इन लोगों को कितनी चिढ़ है जय श्री राम से। जय श्री राम का नाम लेने से जितना रावण चिढ़ता था, वैसे ही आज भी कुछ हमारे बीच में भी राक्षस रहते हैं। बस उस युग के रामायुग के जो राक्षस थे उनके सींग और पूंछें भी थीं, लेकिन आज के जो राक्षस हैं उनके सींग या पूंछ नहीं है, उनको सिर्फ मुंह है,
बस वो मुंह से बकबक करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान कराची में जय श्री राम के नारे गूंजे हैं, उसको देखते हुए जो खास समुदाय है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया है, क्योंकि उसके बप्पा के सर पे कह सकते हैं कि जय श्री राम का ठीकरा फोड़ा गया है। और जय श्री राम का नाम अगर पाकिस्तान में ले लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज जिस तरह से वहाँ के लोगों ने, हिंदू सिख ईसाई के लोगों ने जिस तरह से वहाँ जय श्री राम के नारे, हर हर महादेव के जयकारे लगाए, उससे पाकिस्तान के इमरान खान की छाती पर ऐसा लगा कि सांप लौट गया। वो काफ़ी ज़्यादा तिलमिला उठे, काफ़ी ज़्यादा बौखला उठे, लेकिन उनकी बौखलाहट से वो जो वहाँ की जनता है वो डरने वाली नहीं है। अब इमरान खान को भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सभी लोग पूरी तरीके से विचार बना रहे हैं। और अगर वहाँ पर जब विभिन्न जातियों के लोग रह रहे हैं, कई वहाँ पे धर्म रह रहे हैं, तो सबके हिसाब से इनको कानून बनाना चाहिए इमरान खान को, लेकिन ये सिर्फ एक ही धर्म को लेकर चल रहे हैं, वो भी मुसलमानों को। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं देख रहे, जिसकी वजह से उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा झटका लगता महसूस हो भी रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके ऊपर उल्टे सीधे कमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट करना भी लाजमी है, क्योंकि इमरान खान काफ़ी ज़्यादा बौखला गए हैं। और वहाँ के जो कानून हैं और जो कंपनियाँ हैं, खुफिया एजेंसियाँ हैं, वो भी उन्हीं कट्टरपंथियों का साथ देती हैं जो इन हिंदुओं को मारते हैं, जो इन हिंदुओं को काटते हैं। तभी तो आज देख लीजिए आप जाकर के, जब देश का बंटवारा हुआ था वहाँ पर 23% मुसलमान हिंदू थे, लेकिन अगर आज आप जाकर देख लें तो वहाँ पर हिंदुओं की संख्या जो है सिमट गई है, और बहुत ज़्यादा सिमट गई है, 0.5% तक आकर रह गई है। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रताड़ित किया जा रहा है वहाँ के हिंदुओं को। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए वो अनाप शनाप बातें करते नज़र आते हैं। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को भी ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई वीडियो शेयर करते हैं तो सच्चाई जनता के सामने पहुँचती है। और आज फिर कह सकते हैं कि पाकिस्तान फिर से बेनकाब हुआ है, पाकिस्तान को फिर से आज बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगा दिए हैं, जिससे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी बहुत ज़्यादा बौखला गए हैं। कमेंट बॉक्स में राय लिखिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।